हेलो एवरीवन, वेलकम. माय नेम इज अजय शर्मा और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रूट वोकैबलरी. जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में रूट वोकैबलरी को पढ़ा है, तो आज का हमारा जो रूट है दैट इज़ एम्बल. और एम्बल रूट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. जिनको नहीं पता कि रूट वोकैबलरी क्या होती है और ये एम्बल रूट क्या है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. देखिए क्या है कि जैसे पेड़ की जड़ें होती है और वो भी कहीं ना कहीं से आई होती है, ऐसे ही वोकैब जो होती है उसकी भी जड़ें होती है, वो भी कहीं ना कहीं से आई हुई होती है. कोई लेटिन से आती है, कोई ग्रीक्स लैंग्वेज से, कोई फ्रेंच से, इवन संस्कृत से भी बहुत सारे वर्ड डिराइव किए गए हैं. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लेटिन रूट की. और ये लेटिन रूट जो है वो है किससे, एम्बल और एम्बुल से रिलेटेड. एम्बल और एम्बुल से आए हुए वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, वॉक करना. किसी भी इंग्लिश के वर्ड में एम्बल या एम्बुल दिखाई दे उसका मतलब क्या होगा, वॉक यानी कि चलना. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें गिवन है, जैसे कि सबसे पहले गिवन है एम्बल. एम्बल एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है. इसका मीनिंग क्या होगा, स्लो इजी वॉक, मतलब धीरे धीरे धीमे धीमे चलना और इजिली चलना, आरामदायक तरीके से चलना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बल बोलते हैं. एम्बल का मतलब होगा स्लो एंड ईजी वॉक, छोटे छोटे कदमों से और धीरे धीरे चलने को हम क्या बोलेंगे, एम्बल बोलेंगे. तो एम्बल का मतलब हो गया स्लो एंड ईजी वॉक विद स्मॉल पेस, यू कैन से. ओके, इट इज वर्ब एज वेल एज नाउन, एम्बल. नेक्स्ट है प्रीएम्बल. प्री का मतलब क्या होता है, प्री मतलब होता है पहले. एम्बल का मतलब होता है वॉक, अभी अभी सीखा, क्योंकि ए एम बी एल ई आई चाहे ए एम बी यू एल आई, उसका मतलब क्या होगा, वॉक यानी कि चलना. तो प्रीएम्बल जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू डिस्क्राइब बिफोर, किसी चीज को पहले ही डिस्क्राइब कर देना, क्योंकि प्री का मतलब पहले होता है, मैंने अभी अभी बताया, और एम्बल का मतलब वॉक करना, तो पहले ही वॉक करके चले जाना. इसका मतलब प्रीएम्बल का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब बनता है प्रस्तावना. कोई न्यूज एंकर है, कुछ टॉपिक डिस्क्राइब करना चाहता है, लेकिन जब वो स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में जरूर बताएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं. जैसे मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया ना कि क्या पढ़ने वाले हैं, रूट वोकैबलरी. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, रूट वोकैबलरी. ये चीज मैंने आपको बताई तो स्टार्टिंग में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रीएम्बल. तो प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना. स्टार्टिंग में जो चीज किसी चीज के बारे में बताई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल. अब नेक्स्ट है हमारे पास में एम्बुलेंट. क्या गिवन है, एम्बुलेंट. तो एम्बुलेंट एक एडजेक्टिवल फॉर्म है और इसका मतलब होता है एबल टू वॉक अबाउट, स्पेशली पेशेंट के लिए यूज किया जाता है. एक ऐसा पेशेंट था जो चल नहीं सकता था लेकिन अब वो चलने लग गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बुलेट. तो अब एबल टू वॉक अबाउट, अब वो चल सकता है. तो एम्बल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एम्बल रूट है, इसमें भी है और ये आगे आने वाले सबके अंदर है. नेक्स्ट है हमारे पास में एम्बलर. तो जैसे आपने पढ़ा एम्बल, एम्बल से बना एम्बलर, जिसका मतलब होगा वन हु कैन वॉक, जो चल सकता हो और जो स्लोली स्लोली चल सकता हो, तो एम्बलर का मतलब हो गया वन हु कैन वॉक, बस है ना. उसके बाद में है हमारे सामने सरकम एम्बुलेंट. अगर आप ध्यान से देखो सरकम एम्बुलेंट लिखा है, तो सरकम का मतलब होता है सर्कल. सरकम का क्या मतलब होता है, सर्कल. और एम्बुलेंट का मतलब अभी भी सीखा था क्या, वॉक. तो सरकम एम्बुलेंट का मतलब होगा गोल गोल चलना, किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना टाइप. ठीक है, तो वो हो जाता है सरकम एम्बुलेंट. सरकम एम्बुलेंट कैसे डिराइव किया, सरकम फॉर सर्कल एंड एम्बुलेंट फॉर एम्बल यानी कि वॉक. तो सरकम एम्बुलेंट का मतलब होगा टू वॉक अराउंड, चारों ओर चक्कर लगाना किसी चीज के. अब बनता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड सोमना एम्बुलेंट. तो सोमन से क्या बनता है, सोमन से बनता है स्लीप. कुछ ऐसे होता है ना जिनको नींद में चलने की आदत होती है, ये वही होते हैं. सोमना एम्बुलेंट एक एडजेक्टिवल फॉर्म है, इसका मतलब होता है वन हु वॉक वाइल स्लीपिंग. लिख सकते हो आप वन हु वॉक वाइल स्लीपिंग, इसका मतलब हुआ वॉक. और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सोमना एम्बुलेंट है ना, आप इसको ऐसे लिखते, ये तो था मैंने बताया एडजेक्टिवल फॉर्म, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सोमना एम्बुलिस्ट. सोमना एम्बुलिस्ट नाउन बन जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, जो चलता हो नींद के अंदर उसको हम बोल देंगे, या वन हु इज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग वाइल स्लीपिंग, उसको क्या बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे. यहां पर एक और वर्ड है नॉक्टाम्बुलिस्ट. तो नॉक्टाम्बुलिस्ट नाइट को डिनोट करता है, तो ये वही वर्ड है सेम. तो इसका मीनिंग और सोमनाम्बुलिस्ट का मीनिंग एक ही हो जाएगा, जो रात को चलता हो या जो नींद में चलता हो, स्पेशली
ये भी बोल सकते हैं, वन हु वॉक इन स्लीप, ठीक है, जो नींदों में चलता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉक्टा एम्बुलिस्ट बोलते हैं। ऐसा ही है हमारे सामने एक वर्ड फ्यूनेम्बुलिस्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं ज्यादातर, जिनके लास्ट में आई एस टी आ जाता है उसका मतलब डूअर हो जाता है, वन हु डज दैट, जो उसको जो ऐसा काम करता है, कैसा, फ्यूनेम्बुलिस्ट। तो फ्यूनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो टाइट रोप वॉकिंग, सुनी आपने टाइट रोप वॉकिंग, ये टाइट रोप वॉकिंग क्या होती है, व्हाट इज टाइट रोप वॉकिंग, एक टाइट रस्सी बंधी हुई है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक लकड़ी को पकड़ के वो बैलेंस बना के चलते हैं एक रस्सी के ऊपर, है ना, रोप के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनेम्बुलिस्ट बोलते हैं। इसी से आगे नेक्स्ट वर्ड है पर एम्बुलेटर, पर एम्बुलेटर क्या होता है, पर एम्बुलेटर, तो ये एक स्पेशली कैरेज होता है बच्चों के लिए, जिसमें आपने देखा होगा छोटी सी ट्रॉली आती है, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो सामान डाल करके उसमें लेकर के जाते हैं, वैसे ही एक बच्चों के लिए आती है उस एम्बुलेटर के लिए, मतलब हम चल सकते हैं उसको पकड़ के और बच्चा उसमें बैठ सकता है, उसको पर एम्बुलेटर बोला जाता है, वो एक कैरेज है, कैरेज फॉर बेबी यू कैन से, ओके, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ कैरेज फॉर बेबी। नेक्स्ट इज एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू वॉक, चलने से संबंधित, रिलेटेड टू वॉक, चलने से संबंधित, ये होता है एम्बुलेटरी, ठीक है। एम्बुलेशन उसी का नाउन फॉर्म बन जाता है, स्टेट ऑफ वॉकिंग यू कैन से, बस अ स्टेट ऑफ वॉकिंग, ये आ गए सारे आपके सामने वर्ड्स। तो इन सब में आपने देखा क्या चीज देखी है कि एम्बल जो है वो सभी वर्ड्स के अंदर आ रहा है, और जिस भी वर्ड के अंदर एम्बल आएगा उसका मीनिंग क्या होगा, मेरे साथ बोलो एक बार, वॉक, क्या होगा, वॉक, तो एम्बल का मीनिंग होगा वॉक। तो इस टाइप की वीडियोस अब आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलती रहेगी, जिससे आप अपनी वोकैब भी इंप्रूव कर पाएंगे और ग्रामर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको मिलते रहेंगे, ओके। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे लाइव टेस्ट और जो पीडीएफ्स होती है, जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी पीडीएफ्स वहां पर डाली जाती है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत सारी क्लासेस जो लाइव होती है हमारी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।